ये फिल्म हमारी म्यूजिकल लव स्टोरी है और इसमें मैंने कोशिश किया है कि दर्शकों तक अच्छे भोजपुरी सॉन्ग और एक अच्छा पारिवारिक स्टोरी लेकर के मैं उनके बीच तक आऊँ। जी बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरे गानों को इतना लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं। जब मैं मुंबई आया तो मुझे लोग कहते थे कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील सॉन्ग चलते हैं और आपको बहुत परेशानी जाएगी अपने म्यूज़िक को रिलीज़ करने में, लेकिन मेरे को इस बात का बहुत भरोसा था कि मैं अगर अच्छा म्यूज़िक किया हूँ तो म्यूज़िक कंपनी वाले भी इस चीज़ को समझेंगे, और ये ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे SRK म्यूज़िक में आने का मौका मिला और बहुत सपोर्ट मुझे मिला SRK म्यूज़िक का, और इन्होंने आज इस म्यूज़िक को लॉन्च किया इतने बड़े पैमाने पे। इस बात से मैं बहुत रोमांचित हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और मैं लोगों को बस इतना ही इस मौके पे कहना चाहूँगा कि हमारे भोजपुरी का जो संगीत है वो बहुत समृद्ध है और इसमें अश्लीलता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, आइए हम सभी लोग मिल के भोजपुरी पे ये जो अश्लील गानों का कलंक लगा है इसको धोएं, अच्छे संगीत को सुने और अच्छे, ताकि अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, अच्छे कलाकार, अच्छे गायक, ये सभी लोग आपके बीच में आ सकें। जैसे पूर्व में हमारे यहाँ भरत शर्मा व्यास जी, फिर शारदा सिन्हा जी, इस तरह के बड़े गायक जो एकदम साफ सुथरा गाते थे और भोजपुरी में इनके गाने आज भी अमर हैं, तो इन्हीं को मैंने ध्यान में रखते हुए इस बार इस तरह का म्यूज़िक दिया अपनी फिल्म में। गोपाल पांडे जी। हाँ, काफ़ी खूबसूरत बनी है पोस्टर और कहानी भी बहुत अच्छी है। जितना खूबसूरत पोस्टर दिख रहा है उतनी अच्छी फिल्म भी है, और गाने तो आप सुन रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, बहुत ही स्वीट गाने हैं, और स्टोरी मतलब प्योर रोमांटिक फिल्म जो होती है वो है, कोई वल्गैरिटी नहीं फिल्म के अंदर, कोई डबल मीनिंग गाने नहीं, कोई गंदगी नहीं, क्लीन फिल्म है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऑडियंस इसे देखे, पसंद करेंगे और प्यार दे बहुत सारा। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। फिल्म गोपाल पांडे जी ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म रिलीज होगी बिहार में, जो चलती है यूपी में, दिल्ली में, मुंबई में, और इस फिल्म का एक वर्जन छत्तीसगढ़ में भी बना है जो पूरे छत्तीसगढ़ में भी रिलीज़ होगी। तो अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म भी इसकी डबिंग हुई है और भोजपुरी में तो सारे पूरा ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है। ऐसा बिन तेरे वो साथी रे थोड़ा अच्छा टाइटल है, तो अब गोपाल जी को बहुत अच्छा लगा और सभी को अच्छा लगा, इसका टाइटल सॉन्ग भी अच्छा बना है, गाने उदित जी ने गाए हैं, गोपाल जी ने भी एक दो गाने अपने खुद से गाए हैं उन्होंने, क्योंकि वो बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाया है गाने को, टाइटल सॉन्ग उन्होंने गाया है। सर दर्शकों से यही कहेंगे कि आप बहुत सारी भोजपुरी फिल्में देखे होंगे, आप एक बार इस फिल्म को देखिए, कई ऑडियंस के मन में एक धारणा आ गई है कि फिल्में भोजपुरी में गंदी बन रही हैं, नहीं चल रही हैं भोजपुरी फिल्में, लोग देखने नहीं जाते हैं फैमिली के साथ, तो आप, मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के फिल्म देखें, अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं बुराई दिखी तो मैं तैयार हूँ गाली खाने के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले तो बताना चाहूंगी, हाय दिस इज ग्लोरी मोहंता, और आप जैसे देख रहे पोस्टर तेरे बिना वो साथी रे, इस फिल्म में भी मैंने आइटम सॉन्ग किया है और ये फिल्म डायरेक्ट किया गया है, किया है गोपाल जी ने, और बहुत ही प्यारा फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, इनके गाने आप सुन सकते हैं, बहुत प्यारा है, उदित नारायण जी ने गाना गाया है जो टाइटल सॉन्ग है, और मेरा गाना भी बहुत प्यारा है, बहुत हटके है, भोजपुरी में जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियों के हिसाब से मोटे मोटे आवाज़ें रहती हैं, वैसा नहीं है, प्रॉपर पतली आवाज़ और पतली लड़की ऐसे है, मतलब इन्जॉय किया, इन शॉर्ट मैंने इन्जॉय किया, बहुत डिफरेंट टाइप का है और बहुत स्वीट है, हिंदी टच है, और क्या बताऊँ। गोपाल पांडे जी बहुत गाने की तारीफ कर रहे हैं, तो किस तरह का आपका सॉन्ग? मेरा
मेरा जो गाना है ऑफकोर्स आइटम सॉन्ग है, लेकिन आइटम में भी जो हीरोइन टच रहता है उस टाइप का, और अभी बज भी रहा है बाबू साहेब नचाई हमका गमछापा ऐसा कुछ है, तो बहुत प्यारा गाना है। अब क्या बताओ, बाकी आप लोग सुन लीजिएगा। मैं जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आजकल भोजपुरी का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है, स्टोरीज चेंज हो रही है, ये बहुत हटके मूवी है, प्लीज़ देखिएगा, जिसमें मेरे दोनों दोस्त गौरव झा और रितु जी ने काम किया है, और दोनों ऑन स्क्रीन बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत हॉट लग रहे हैं, तो प्लीज़ देखने आइए। और उसमें मेरा हल्का सा एक हॉट गाना भी है जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है, प्लीज़ आप देखिए, आप लोग सब गाना पसंद करेंगे। मुझे लगता है ज़्यादातर लड़की दिन ये रिलीज़ हो जाए ताकि कपल्स लोग ये गाना गुनगुनाते हुए नजर आए। ये मेरे दोस्त गौरव झा की फिल्म है, जो अजय हीरो उसमें अजय हीरो सोलो फिल्म कर रहे हैं, मतलब कि रिलीज पे ही है, और ज़्यादा उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरे दोस्त की फिल्म है और बड़ा अच्छा काम किया उसने, मैंने इसका ट्रेलर देखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म गौरव के लिए बहुत बड़ी साबित हो। और मीना केसरी जो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा खर्चा करके फिल्म को बनाया है। गोपाल जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, बड़ा अच्छा डायरेक्शन किया उन्होंने, तो आप लोग सब मिला करके फिल्म बहुत अच्छी है। और अभी हम जैसे म्यूजिक लॉन्च हो रहा है तो गाना भी सुन रहे हैं, गाना भी काफ़ी अच्छा है, तो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। जैसे फिल्म का टाइटल हो साथी रे, तो फिल्म का जो टाइटल उस हिसाब से म्यूजिक भी बहुत रियली सही कह रहा हूँ, क्योंकि रोमांटिक फिल्में भोजपुरी में तो बनती ही नहीं है, और बहुत दिनों बाद एक रोमांटिक फिल्म नज़र आएगी, तो गाने नो डाउट बहुत ही प्यारे बनाया उन्होंने, फिल्म भी अच्छी है, तो उनका कहना सही है कि सदियों बाद एक अच्छी फिल्म आएगी। मैं अपने फैंस से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक साफ़ सुथरी फिल्म है, और आप लोग अपने साथ साथ अपने दोस्त यार अपनी फैमिली को भी दिखा सकते हैं, आपको कहीं से भी इस फिल्म में आँख नहीं झुकाना पड़ेगा। इस फिल्म के लिए आप कितनी शुभकामनाएं देंगे, आपके दोस्त ने काम किया है फिल्म में? तो गौरव झा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे आदरणीय दोस्त हैं, और मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो साथी बिन तेरे सुपर डुपर हिट हो, मेरे और मेरे कंपनी जो SRK म्यूजिक मेरे बड़े भैया हैं उनके तरफ से भी तहे तहे दिल धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। कल हिट फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, तो क्या कहें? पहली बात तो जब आपने ऐसे सवाल किया तो तमाम शुभकामनाएं SRK को, SRK मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, सुधाकर जी मेरे साथ खड़े हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, और SRK को बनाने में खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा शहर के रोशन ने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है, और राम मिश्रा जी हमारे इतने पुराने मित्र हैं, आज मुझे ऐसा लगा कि म्यूजिक लंच के साथ साथ हमारी लाइफ लंच दोबारा हो गई। नहीं नहीं रहते हम लोग, मेरा पदार्पण भोजपुरी में कराने वाला ये शख्स है। पहली फिल्म किया तो आज इन्होंने कहा कि कर लो, मैं क्या भोजपुरी जाती है, अरे बोले सब आ जाएगा, एक्टरों को नहीं बोलता, तो ये मेरे लॉन्चर है भोजपुरी के, और आज मैं कम से कम शायद 25-26 फिल्में कर चुका हूँ, तो मेरी तमाम शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ, इससे जुड़ी हुई तमाम कलाकारों के साथ, इस फिल्म के टाइटल को साथी रे क्या बात है, लिरिकल टाइटल लगता है, और भगवान करे कामयाब हो, बड़ी कामयाबी मिले फिल्म को, फिल्म के कलाकारों को, और एहसान की म्यूजिक कंपनी, और गोपाल जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया, ये म्यूजिक चलेगा तो लोगों को एक अच्छे म्यूजिक की तमीज होगी। म्यूजिक ही सिंगर ऑल्सो, सिंगर ऑल्सो टाइटल सॉन्ग मुझे मालूम ही नहीं था कि उसने गाया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत बहुत ही खुशी हो रही है कि भोजपुरी में Thank you.
आपको लगा है कि मुझे बुलाना पड़ता है खड़ा किया उस पर जैसे आपने यहाँ पे आने की पता चाहूँगा कि संगीत की प्रक्रिया राजेश जी क्योंकि शुरू किया जब उसको जाना मौका जब देखते हैं वो काफी हमारे बीच काफी दिवाली में संगीत भोजपुरी से हमारे बीच है पवन रमेश लाल यादव जी है गोपाल पांडे साहब गौरव झा साहब अजय दीक्षित साहब जी हाँ दोस्तों अभिकेश जी डायरेक्टर हमारे बीच दर्शक श्रोता है उनके पास दृष्टिक लोग देखिए आज हम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लिए दृष्टि के आनंद में आज मेरी प्रमाण कर रहे हैं खूबसूरत इनकी हिंदी है नुक्ता इतना साफ है मुझे लगा कि हमारे बीच इतने सबसे पहले मैं अपने भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगी और मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा महसूस करती हूँ लोगों को करती हूँ तहे दिल से बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी इतनी फिल्में लोगों ने बहुत पसंद की और इस फिल्म से जैसे कि आज म्यूजिक लॉन्च है इस मूवी का अभी इसकी हाल में ही इसका पोस्टर लॉन्च हुआ है वेरिएशन आप देख सकते हैं काफ़ी पोस्टर्स का तो इस म्यूज़िक से एक मूवी का होता है ना हार्ट एक म्यूज़िक ही होता है संगीत को माना जाता है तो उसका आज लॉन्चिंग डे है तो जाहिर सी बात है मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं ज़्यादा एक तरफ और खुश हूँ कि पूरी टीम हमारे पास अभी इस वक्त मौजूद है ना कि हम अकेले हैं पूरी टीम है और बहुत उम्मीद है हमें इस मूवी से और वी आर वेरी हैप्पी और जस्ट वेटिंग कि ये मूवी रिलीज़ हो और दर्शकों तक पहुँचे उनका आशीर्वाद मिले उनका प्यार मिले बिन तेरे वो साथी हाँ जी किस प्रकार का किरदार है ऋतु का किस तरह का लटके देखिए
लटके झटके और जो भी कला है, हर चीज जो भी अदाएं हैं एक कलाकार की या एक अदाकारा की, वो हर मूवी में दिखती ही है, लेकिन इसका फ्लेवर कुछ हटके है क्योंकि ये एक लव स्टोरी है, एक सॉफ्ट लव स्टोरी है और इसे गाने बहुत ही सॉफ्ट है, आइटम सॉन्ग भी है जिसे ग्लोरी जी भी कर रही हैं, उनमें लटके झटके बहुत नजर आएंगे और हमारे भी लटके झटके हैं लेकिन वो अदर मोड पे है। तो बस उम्मीद है इस मूवी से कि मेरा तारीफ किसी ने किया, मैंने सुना बिकॉज यू डिजर्व, मैंने तुम्हारी भी तारीफ कर दी तब मैडम बिजी थी आई नहीं, मैंने मिस कर दिया, आई एम सो सॉरी मैं लेट से पहुंची, लेकिन सच में बहुत अच्छी है, मैं इनकी फैन हूँ ग्लोरी की और हमारी वो एक लक है कि हर मूवी में एक कलाकार मिल पाता है साथ में काम कर पाता है, तो हम मैं गौरव जी और ग्लोरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं एंड टच और रहेंगे चाहे कोई कुछ भी बोले। और मैं फ्रेंकली बोलना चाहूँगी कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी कपल जो भी अभी Feb 14 आने वाला है प्लीज़ आप जाइए ये फिल्म देखिए, क्योंकि इसमें मेरे जो दोनों बहुत खास फ्रेंड हैं गौरव जी और रिदु, इन लोगों ने जो बताया कि सपोर्ट किया, मैं बताती हूँ इन लोगों का जो केमिस्ट्री है वो इतना वाव फैक्टर है, चाहे इनका फीलिंग्स हो, चाहे उनका छेड़खानी हो, चाहे मस्ती हो, ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और प्लीज़ देखिए गाने के साथ और एक रिदु का हॉट गाना है, मेरा गाना फेल कर दिया इन्होंने झरने के इसमें, लेकिन आप प्लीज़ देखिए क्योंकि मैंने सीक्रेट खोल दिया ताकि सबको लालच आए, प्लीज़ इस मूवी में सबसे हॉट रिदु लगी और शायद मुझे एक्सपेक्टेशन है कि शायद आगे चल के मेरे पेट में लाल। अरे नहीं यार, एक्सपेक्टेशन है काफी मेंटेनेंस लगता है, हम लोग को भी काफी